Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma and today in this video, मैं आपको बताने जा रहा हूँ Krisumi City के बारे में. That is located in Sector 36A, Dwarka Expressway of Gurgaon. अगर हम Krisumi City के बारे में बात करते हैं तो इट इज स्प्रेड ओवर 60 एकर्स ऑफ लैंड एरिया, जहां पर आपको 2 BHK, 3 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही साथ आपको 4 BHK पेंट हाउसेज के ऑप्शंस भी मिलते हैं. इसके साथ साथ में इस वीडियो में आपको जो इनके आने वाले सर्विस अपार्टमेंट्स है, जो अपकमिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, जहां पर ये एक सेपरेट टावर लॉन्च करने जा रहे हैं LDK ऑप्शंस के साथ, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. उसके साथ साथ इसकी लोकेशन, जहां पर आपका आने वाला क्लोवर लीफ है, विच इज अ मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन रिसेंट टाइम्स, उसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे और CPR के बारे में भी बात करेंगे. साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्लोबल सिटी के बारे में भी. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So if we talk about Krisumi City, it is spread over 60 acres of land area, जिसमें से कि 15 acres has been sold to Max Real Estate, जिसमें कि Max Real Estate अपना high rise apartments लेके आएगा. जो Krisumi के पास लैंड बचती है वो आपकी 50 से 55 acres के आसपास की लैंड है. उसमें ये अलग अलग phases में आपको residential apartments, studio apartments लेके आ रहे हैं. जो सबसे पहला phase इन्होंने launch किया था 2019 के end में, that was Waterfall Residences, which was spread over 5.64 acres of land area, जिसमें आपको 3 high rise towers मिलते हैं, Tower A, B and C, जिसमें आपको 2 BHK और 3 BHK के options मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको top floors में 4 BHK पेंट हाउसेज के options मिलते हैं. Almost inventory sold out हो चुकी है, बहुत कम inventories इसमें बची है developer के पास. If you are interested in Waterfall Residences, उसके लिए आप हमें call कर सकते हैं. Waterfall Residences की मैं थोड़ी अगर आपको detail में बात करूं, तो इसमें आपको जो 3 towers मिलते हैं, उस वो आपका एक 6 acres के आसपास का land parcel है. उसकी जो आपकी entrance रहेगी वो आपकी CPR से होके रहेगी. CPR जिसको कि सेंट्रल पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपकी इस टाउनशिप के लिए एंट्री रहेगी. इसमें आपको 36,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलता है, विच विल बी लोडेड विद ऑल द वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दैट यू कैन थिंक ऑफ हैविंग इन एनी वर्ल्ड क्लास सोसाइटी. इसके साथ साथ ही आपको जो एमिनिटीज है, वाटर बॉडीज है, आपको ग्रीन एरियाज है, वो सारे ऑब्वियसली जैसी एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी के अंदर रहती है, वैसी आपको सारी एमिनिटीज इसके अंदर मिलती है. सो अगर मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन की बात करूं, तो Krisumi जो है, Krisumi City जो है आपका सेक्टर 36A में है, जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से भी एक्सेसिबल है, और साथ ही साथ जो CPR है वहां से भी एक्सेसिबल है. अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊं, जो ये सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका CPR है, जो कि क्लोवर लीफ से सीधा आपका SPR को कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू जो आपका SPR की जो डिस्टेंस है वो हार्डली आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे SPR को पहुंचने के लिए. और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं,
तो अगर ये सामने आप देखोगे तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रिसुमी सिटी है वो एक ऐसी लोकेशन पे है, लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन पे है, जहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल पास में ही लगता है और CPR भी बिल्कुल साथ में ही लगता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है SPR को कनेक्ट करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। तो इसी वजह से क्रिसुमी सिटी अपने आप में एक बहुत ही शानदार लोकेशन है। और अगर मैं आपको क्रिसुमी का बैकग्राउंड बताऊं तो कृष्णा ग्रुप और सुमितोमो ग्रुप, जो कि जापान की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है सुमितोमो ग्रुप, जो कि 300 से 400 साल पुरानी कंपनी है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 से ज़्यादा रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुकी है, उनकी रेपुटेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप की है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर की मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका टाटा ग्रुप के साथ इनका कोलैबोरेशन है फॉर द कंस्ट्रक्शन। और अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूं तो जापान की ही एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एज एन आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट में इनके साथ जुड़ी है। तो कुल मिला के जो क्रिसुमी ग्रुप ने जो कोलैबोरेशन किया है सभी ए ग्रेड नाम के साथ किया है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट तैयार होकर निकलेगा वो भी आपका ए ग्रेड कैटेगरी का होगा। अब हम इसमें बात करते हैं इनके आने वाले अपकमिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बारे में। जो अपकमिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उसमें जो आपका लैंड पार्सल है 2.64 एकर का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंट टावर्स मिलेगा, G+34 की उसकी हाइट होगी, G+32 फ्लोर तक आपको उसमें सर्विस अपार्टमेंट्स मिलेंगे। जो ऊपर के दो फ्लोर्स हैं दैट विल बी पेंट हाउसेज, जो कि कंपनी अपने पास रिटेन करके रखेगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट की अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ वो सारी टेंटेटिव है। डेवलपर की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है क्योंकि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रेरा। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी टेंटेटिव ही है। तो इसमें आपको डबल हाइट लिफ्ट लॉबी मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर से आपके सर्विस अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे, इसमें आपको 4 लिफ्ट्स मिलेगी, एक फ्लोर पे आपको इसमें 10 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। जो साइजेस हैं इसमें अपार्टमेंट्स में आपके वो आपको 925 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट के इसमें आपको साइजेस मिलेंगे। इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशंस है वो आपको 1 LDK की है विद 2 टॉयलेट और विद 1 टॉयलेट, इसमें आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आजकल अगर आप सिनेरियो देखोगे तो हो क्या रहा है कि EOIs उठने स्टार्ट हो गए हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी अच्छा प्रोडक्ट लगता है अच्छे डेवलपर्स का, उसमें लोग ऑलरेडी EOIs देना स्टार्ट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो आपके प्रेफरेंस की यूनिट्स है वो मिल जाती है, अच्छी फेसिंग आपको मिल जाती है, साथ ही साथ आपको एक प्राइस का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो उसी के अनुसार इस प्रोडक्ट के अंदर भी EOIs उठना स्टार्ट हो गई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन सर्विस अपार्टमेंट्स तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी हमें EOIs दे सकते हैं, सो दैट कि वी कैन जनरेट योर प्रायोरिटी नंबर्स और उसके अकॉर्डिंगली हम इनिशियली आपको यूनिट्स अलॉट करवा सकते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। सो ये एक मॉडल बनाया है क्रिसुमी ग्रुप ने, जिससे कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह की ये लोकेशन है, आसपास क्या सराउंडिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सेक्टर 36A है जहां पर आपको क्रिसुमी सिटी मिलती है। 50 एकर्स का ये लैंड पार्सल है और जो भी इनकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस जो आपको रहेगी इस सिटी के अंदर, वो आपकी CPR जो कि 90 मीटर वाइड रोड है वहाँ से आपकी इस टाउनशिप के अंदर एंट्री रहेगी। ये आपका 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेसवे है जो बिल्कुल साथ में ही लगता है। तो लोकेशन ऐसी है जहाँ से आपका CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है दिल्ली NCR के अंदर, वो बिल्कुल इसके साथ में ही लगती है। और बिल्कुल अपोजिट में ही क्रिसुमी सिटी के 200 एकर्स की ये ग्रीन जोन है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट देगा, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू देगा और उसके बैक साइड में आपको कमर्शियल मिलता है। आजकल जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्लोवर लीफ, वो आपका जो SPR और CPR को कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, वो भी आपका 20 से 25 मई के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके वजह से जो आपकी कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए SPR से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, सोहना रोड से, वहाँ से आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे तक पहुँचने के लिए। तो क्रिसुमी सिटी एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जहाँ से आपकी दिल्ली NCR की या गुड़गांव की जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो बिल्कुल पास में ही आ जाती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हम इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि क्यों वाटरफॉल रेसिडेंसेज या जो इनके अपकमिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं
आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, ऑब्वियसली द्वारका एक्सप्रेसवे, सीपीआर और आपका जो ग्लोबल लीफ है वो तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी। 1100 एकड़ की जो ये ग्लोबल सिटी है, ये आपके दुबई बिजनेस बे की तरह ही यहाँ पर 1100 एकड़ में उस तरह का कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप करने की जो कोशिश है HSIIDC की, वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, जहाँ पर आपके जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है, जो लैंड एकड़, जो लैंड एरिया आपका जो निकल के आता है, वहाँ पे 60 से 65 करोड़ पर एकड़ की कॉस्ट एक्सपेक्टेड की गई है, एंटिसिपेटेड की गई है, जो कि आपकी कॉस्ट आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह के डेवलपर्स यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि बिड स्टार्ट कर दी है, ऑक्शन स्टार्ट कर दिया है लैंड का HSIIDC ने, दे हैव स्टार्टेड इन्वाइटिंग डेवलपर्स। तो जो जिस तरह के डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे ए ग्रेड के हैं। तो 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी, जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ए ग्रेड का होगा, जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट सारी ए ग्रेड की होगी, उसके बिल्कुल साथ में ही क्रिसुमी जैसी इन्वेस्टमेंट, क्रिसुमी सिटी जैसी आपको एक लोकेशन मिलती है, चीज़ मिलती है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जो एप्रिसिएशन है वो 5 से 6 हज़ार पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन डेफिनेटली आप देख सकते हैं। सो आई होप आई मस्ट हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट क्रिसुमी सिटी। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग वाटरफॉल रेसिडेंसेज, जिसके अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के पेंट हाउसेज मिलते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके अपकमिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिसुमी सिटी, विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 36A ऑफ गुड़गांव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।